Good morning students, today we are going to learn how to write a diary entry. Students, diary entry is a personal note or we can say it's a kind of keeping records of day-to-day events or activities in a diary. And we share our opinions or experiences with our diary. स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों को डायरी लिखते हुए उसमें जो है वो डेट और डे जो है मंथ्स नेम ऑलरेडी जो है वो लिखा ही होता है तो टाइम यहाँ पे लिख के टू द लेफ्ट साइड तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं लेकिन व्हेन एवर यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट So I'm going to discuss firstly the format for this one. So first of all, you will make a box. Then to the left side, day, date, then time, then salutation part comes. Salutation means how you address the diary. Then body of the diary and in the end, you will write the name of the writer who is writing the diary. Let's see day month's name then date then time you have to write in this way students raat ka hi time aap likhoge because mostly jo hai wo diary raat ko likhi jati hai then leave one line then dear diary hum kyon isko bol rahe hain kyunki diary is like a friend ठीक है ये हमारी फ्रेंड की तरह है एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर करते हैं तो हम अपनी डायरी के साथ एवरीथिंग वी कैन शेयर देन आफ्टर दैट दिस वन बॉडी ऑफ द नोट डायरी कम्स एंड देन नेम इन द एंड हु इज़ राइटिंग द डायरी स्टूडेंट्स अगर तो क्वेश्चन में नेम दे रखा है तो फिर आप वही नेम लिखोगे और अगर नेम नहीं लिखा है क्वेश्चन में देन यू हैव टू राइट एक्स वाई जेड ए बी सी वट एवर यू वांट टू राइट सो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग द डायरी एंट्री जैसे डे और डेट यू हैव टू राइट स्टूडेंट्स इन दिस वे सपोज आज मंडे है Then I will write Monday, October 12, 2020. इसी वे से स्टूडेंट्स आपने डेट लिखनी है देन कुछ स्टूडेंट्स को हैबिट होती है जैसे जो है वो फुल नेम नहीं लिखते हैं डे और मंथ का जैसे फॉर एग्जांपल मंडे नहीं लिखेंगे वो इस तरह से लिखते हैं तो स्टूडेंट्स दैट इज़ रॉन्ग मेथड यू हैव टू राइट द फुल नेम्स ऑफ डे और डेट देन टाइम यू हैव टू राइट पी एम सो पी एम यू कैन राइट इन दिस वे यू कैन ऑल्सो राइट इन कैपिटल लेटर बट डोंट राइट इन दिस वे दैट इज रॉन्ग देन यू हैव टू मेक अ बॉक्स वो पहले मैंने डिस्कस कर दिया आपसे देन इट मस्ट बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स जैसे आपको यूज़ करना है आई माई वी एंड सो ऑन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यू हैव टू यूज़ देन बी केयरफुल रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ टेंस जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स आपकी जो वेन एवर यू आर राइटिंग द डायरी यू हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था आपके साथ सिंपल पास्ट दैट्स मीन यू हैव टू फॉलो दिस वन स्ट्रक्चर subject plus v2 verb ki second form then object then present perfect iska jo structure hai you know that subject plus has or have and then v3 ऑब्जेक्ट
और क्योंकि इसमें आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हो तो फिर आई के साथ तो है भी आएगा. देन फ्यूचर टेंस विल शैल और विल हैव बीन शैल हैव बीन अकॉर्डिंगली. और स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने इन तीन की ही बात की है तो इन्हीं टेंसेस का आप यूज़ करोगे और दूसरे भी यूज़ हो सकते हैं, बट मोस्टली जो है दीज काइंड्स ऑफ टेंसेस आर यूज्ड. देन स्टूडेंट्स हाउ यू हैव टू बिगिन द डायरी एंट्री, एंड यू कैन स्टार्ट विद डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंट्री फीलिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे वॉज अ वंडरफुल डे, ब्राइट डे और गुड डे, और टुडे आई एम वेरी हैप्पी, और अगर सैड हो तो सैड, एक्साइटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई नेवर हैड सच अ ब्यूटिफुल और वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर बिफोर. और स्टूडेंट्स आप कुछ एक फ्रेजेज और एडियम्स का भी यूज़ कर सकते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और सो यू कैन यूज़ टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस दीज वन जो फ्रेजेज और एडियम्स वी कैन से. जैसे इन सेवन्थ हेवन यू कैन से दैट आई एम इन सेवन्थ हेवन बिकॉज आई हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन माई क्लास, है ना, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माई जॉय नोज नो बाउंड्स, ओवर द मून. ये सारे जो एडियम्स और फ्रेजेज जो है वो हैप्पीनेस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. देन टू एक्सप्रेस सैडनेस यू कैन से दैट रिड्यूस टू टीयर्स, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा. डाउन इन इन द डम्प्स यू कैन से दैट आई वॉज डाउन इन द डम्प्स व्हेन आई हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट एंड सो ऑन. सो इस बहुत सारे जो हैं एडियम्स और फ्रेजेस का आप स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हो. सो इन द एंड यू कैन से दैट अगर कुछ एक ऐसा है जो आप कभी भूल नहीं सकते हो तो यू कैन से दैट आई नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई होल लाइफ, और एज़ यू विश. स्टूडेंट्स अगर यू आर कन्फ्यूज्ड कि कैसे एंडिंग करनी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, गुड नाइट, देन साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आपने लगाना ही लगाना है इसके बाद, देन इट्स टाइम टू स्लीप. स्टूडेंट्स ये वाला जो सेंटेंस है आपका सब तरह की डायरी में जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. देन स्टूडेंट्स try that you should write a diary entry in a single paragraph, and aap linkers ka aur connectors ka bhi use kar sakte ho. For example, in spite of, on the contrary, because, as, since, in order to, so that, as a consequence, as a result, matlab accordingly, जैसे आपकी सिचुएशन है और जिस तरह से भी आप डायरी टॉपिक ऑफ द डायरी एंट्री, तो आप इन कनेक्टर्स का और लिंकर्स का यूज़ कर सकते हो. स्टूडेंट्स लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल we shall write day, as today is Monday, so I am writing over here Monday, then October 12, 2020, then time, then leave one line, then write dear diary, today I am so happy as I have stood first in my class. I have received so many compliments. कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स कि जैसे बहुत आपकी तारीफ़ होती है, प्रेज़ होती है. माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ओवर द मून. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ये फ्रेज़ का यूज़ किया है, ओवर द मून,
यानी कि वो बहुत दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा वो खुश हैं. माई फादर हैज़ प्रॉमिस्ड टू गिफ्ट मी माई फेवरेट बाइक. अचीविंग दिस सक्सेस वॉज नॉट ईजी. आई डिडंट वेस्ट माई सिंगल मोमेंट इन यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस. आई फुली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई स्टडीज. आई मेड अ टाइम टेबल एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड इट. आई हैव रियलाइज्ड दैट टीवी, फ्रेंड्स, लोफिंग अराउंड आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. आई प्रॉमिस यू आई ऑलवेज बी फोकस्ड एंड सेल्फ डिसिप्लिंड इन लाइफ हैंसफोर्थ. हैंसफोर्थ मीन्स फ्रॉम नाउ और इन फ्यूचर. क्योंकि क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं है तो आई एम राइटिंग हेयर एक्स वाई जेड. सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू राइट द डायरी एंट्री.